Hello BCom class. So this is the part 2 sessions of e-commerce. So today we are going to discuss characteristics of the e-commerce, component used in e-commerce and activity of the e-commerce. So first go to for characteristics. So characteristics of e-commerce में हम उसके features के बारे में हम जानेंगे कि e-commerce के features क्या होते हैं. Last lecture में हमने study किया था what is e-commerce and e-commerce के लिए हमें किस तरह की activities उसमें रहती है, किस तरह का काम उसमें रहता है, यानी कि what is the objective of e-commerce. तो आज का हमारा topic है characteristics of e-commerce. अब characteristics की हम बात करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम करैक्टरिस्टिक्स में हम स्टडी करेंगे अबक्यूटियसनेस. अबक्यूटियसनेस क्या होता है? दिस इज यूनिवर्सल. अबक्यूटियसनेस जो वर्ड है ये यूनिवर्सल से लिया गया है कि हमारे जो ई कॉमर्स एक्टिविटी है वो क्या है, यूनिवर्सल है, यानी कि हर जगह अवेलेबल होती है. सो कस्टमर कहीं से भी किसी भी टाइम पे इंटरनेट एक्सेस करके अपने प्रोडक्ट को परचेज कर सकता है, अपने प्रोडक्ट को मंगवा सकता है. इसलिए ई कॉमर्स की टेक्नोलॉजी यूनिवर्सल है, कस्टमर की कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है. अनदर वन है वर्ल्ड वाइड रीच, यानी कि ई कॉमर्स पूरी दुनिया में जियोग्राफिकल बाउंड्री को ही क्रॉस नहीं करता, बल्कि इसके अलावा भी दूसरी नेशंस की बाउंड्री को भी क्रॉस करता है. और ऑनलाइन पॉपुलेशन का जो वर्ल्ड है वो बहुत बड़ा होता है, यानी जो कस्टमर है वो वर्ल्ड वाइड तक फैले होते हैं. थर्ड वन है यूनिवर्सल स्टैंडर्ड. स्टैंडर्ड का मतलब है रूल एंड रेगुलेशन. तो यूनिवर्सल स्टैंडर्ड, जब कोई ई कॉमर्स कंपनी अपने बिजनेस के स्टैंडर्ड सेटअप करती है तो वो जरूरी ही एक नेशंस के अकॉर्डिंग नहीं करती है, वो पूरी की पूरी नेशन या पूरे के पूरे वो इंटरनेशनल नेशनल लेवल के अराउंड द वर्ल्ड वो सेटअप बनाती है. तो स्टैंडर्ड ऐसे होते हैं ताकि वो दूसरे लेवल में या दूसरी कंट्री में जाके भी उनको एक्सेप्ट किया जा सके. यूनिवर्सल स्टैंडर्ड ज़्यादातर इसके माध्यम से जो हम अपने बिजनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं. ई कॉमर्स का मेन मोटिव ही यही है कि जो हमारी ट्रेडिशनल मार्केटिंग है या ट्रेडिशनल बिजनेस है उससे आप किसी तरह के ऑनलाइन या वर्चुअल बिजनेस की तरफ जाएं. फोर्थ वन करैक्टरिस्टिक्स ऑफ ई कॉमर्स है बिजनेस रिस्क. अब रिस्क की हम बात कर रहे हैं तो जब या बिजनेस रिस्क जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कम बना रहता है. देखा जाए अगर हम इसको कंपेयर करते हैं लॉस के अकॉर्डिंग, तो जो हमारा मैनुअली शॉप में लॉस होता है या फायर आग लग जाती है, किसी तरह का अदर नुकसान होता है, तो उसमें ई कॉमर्स में काफ़ी रहता है. लेकिन बिजनेस रिस्क अगर हम ऑनलाइन बिजनेस में देखें तो इसमें कम लोगों की ज़रूरत होती है, जस्ट ओनली वर्चुअल सेटअप आपको क्रिएट करना पड़ता है, उतना ही आपको रखना पड़ता है. और बिजनेस के साथ अगर रिचमेंट की बात करें कि आपका ई कॉमर्स का व्यवसाय कहाँ तक फैला होता है, तो बिजनेस रीच की बात करें तो ई कॉमर्स जो है वो ऑलरेडी बहुत से एरिया को कवर करता है, बहुत से एक्टिविटीज को कवर करता है. ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप वीडियो को भी देख सकते हैं, आप ऑडियो को भी सुन सकते हैं, एनिमेशन को भी देख सकते हैं. तो आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को बेटर बना सकते हैं, जो प्रॉपरली जो है वो बहुत से लोगों तक पहुँचाती है. फिफ्थ वन है ई कॉमर्स के करैक्टर, दैट इज़ अ इंटरएक्टिविटी. इंटरएक्टिविटी में क्या है कि आप अपने कस्टमर के साथ थ्रू ईमेल भी टच में रहते हैं, सोशल नेटवर्किंग के माध्यम से भी टच में रहते हैं, किसी न किसी वे से आप फीडबैक लेते रहते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो आपका ईमेल है. तो यहाँ पे ई कॉमर्स क्या जो बिजनेस है वो आपस में कस्टमर के साथ इंटरएक्टिविटी करता रहता है, आपस में कम्युनिकेट करता रहता है. सिक्स्थ वन है इंफॉर्मेशन डेंसिटी. अब इंफॉर्मेशन डेंसिटी का मतलब यही है कि ई कॉमर्स का ज़्यादातर जो इन्फॉर्मेशन है वो रिलीवेंट अपलोड करता है, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड होती है. प्रोडक्ट और सर्विस का क्या प्राइस रहेगा, उसका फीचर्स क्या है, प्रोडक्ट के फीचर्स क्या है, उसका स्टैंडर्ड क्या है, यानी उसका अनदर वन है उसकी सर्विस क्या है प्रोडक्ट की. तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिलती है. क्वालिटी, कॉस्ट, प्राइस, ये सारी चीज़ें आपको ई कॉमर्स में देखने को मिलेगी. साथ में ही इंफॉर्मेशन डेंसिटी, आप यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट में आप बहुत से कंपिटिटर होते हैं, बहुत सी कंपनियां हैं जो ई कॉमर्स वेबसाइट चलाती है, तो आपस में आप उस प्रोडक्ट को कंपेयर कर सकते हैं,
प्रोडक्ट को आपस में कंपेयर करेंगे तो आपको प्राइस के बारे में भी पता चलेगा और सर्विस के बारे में, और उस साथ ही साथ उसके फीचर के बारे में भी पता चलता है। सेवंथ वन है कस्टमाइजेशन। कस्टमाइजेशन को हम पर्सनलाइजेशन भी कह सकते हैं। कस्टमाइजेशन होता क्या है पहले तो ये ध्यान रखना है। कस्टमाइजेशन का मतलब होता है आपके अकॉर्डिंग आपको वस्तुएं मिलना। आपने कभी सुना होगा कि कस्टमाइज प्रोडक्ट है, यानी कि जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम से रिलेटेड ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा। आप किसी तरह का फीचर्स का प्रोडक्ट चाहेंगे, किसी तरह का प्रोडक्ट जो आप रिक्वायरमेंट रखते हैं उस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको ऑनलाइन शॉपर आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करता है। आप उस साइट में जाके सर्च करेंगे किस तरह का प्रोडक्ट आपको चाहिए, उसमें क्या स्पेसिफिक फीचर्स होने चाहिए, तो ये सारी की सारी चीजें आपको उस वेबसाइट पर मिल जाती है। तो करेक्टरिस्टिक्स की बात होगी, यानी कि अबक्यूटियसनेस, यानी कि ये यूनिवर्सल होता है, वर्ल्ड वाइड रीच है, इसके खुद के ई कॉमर्स के वेबसाइट के स्टैंडर्ड है जो दूसरे अन्य नेशन के साथ भी टचअप में रहते हैं, अन्य वेबसाइट के स्टैंडर्ड के साथ भी मैच करते हैं। इसमें देखेंगे कि जो इनहेंसिविटी है या यूनिवर्सिबिलिटी है वो बहुत से एरिया को कवर करती है। वर्ल्ड वाइड तक आप अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सकते हैं, अपने कस्टमर के साथ इंटरएक्टिविटी करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते रहते हैं, टाइमली उनसे फीडबैक लेते रहते हैं, एंड जो आपका प्रोडक्ट की प्राइस क्या होने वाले हैं, उसके क्या फीचर हैं, उसकी क्या सर्विस है, वो अपने कस्टमर को आप इन्फॉर्म करते रहते हैं। कस्टमाइजेशन में जो आप प्रोडक्ट बनाते हैं वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग और उनकी वांट्स के अकॉर्डिंग ही क्रिएट करते हैं। ये तो होगी करेक्टरिस्टिक्स की बात। अब नेक्स्ट वन हम चलते हैं मेन एक्टिविटीज, यानी कि ई कॉमर्स की एक्टिविटी क्या होती है। अगर आप ई कॉमर्स व्यवसाय करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें कौन कौन सी एक्टिविटी होगी। तो फर्स्ट वन आता है बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस। आप सर्विस की भी बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट की भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है शिपिंग ऑफ प्रोडक्ट। अगर आप ऑनलाइन अपना व्यवसाय चलाते हैं तो आपको कोई भी डिमांड आती है तो उस डिमांड को आप शिपिंग करनी पड़ेगी, आपको वो बाई कोरियर आपको भेजना पड़ेगा। अगर कोई प्रोडक्ट है उसका इनवॉइस भी साथ में आपको देना पड़ता है। आपसे माना कोई कस्टमर है, वो कस्टमर प्रोडक्ट किसी कंपनी से ई कॉमर्स व्यवसाय यानी कि ई कॉमर्स एजेंसी से परचेज करता है, तो वो एक ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर रहा है और सी उससे प्रोडक्ट खरीदता है, तो यहाँ पे ए को सी को इनवॉइस क्रिएट करके भेजना होगा। नेक्स्ट वन है कि परफॉर्मिंग द प्री स्केल एक्टिविटी। अब प्री स्केल एक्टिविटी क्या होती है, जैसे कि आप अपने कस्टमर को मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट अवेयरनेस से भी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, यानी कि मार्केटिंग में उसका क्या प्राइस है, आप कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहे हैं और प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं। साथ में आपको क्या परफॉर्म करना पड़ेगा, पोस्ट स्केल एक्टिविटी, यानी कि जब आप सेल कर देते हो उस सेल के बाद आपको वारंटी कार्ड भी देना पड़ेगा और फीडबैक सर्विस भी देनी पड़ेगी। ये फीड वारंटी कार्ड का मतलब यही है कि किसी तरह का उसमें कोई फॉल्ट रहता है तो आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा। अगर आप माना कि उसमें किसी तरह का नुकसान होता है, किसी तरह की आपने दी है कि 2 साल तक गारंटी है उसकी, वो चलेगा चलेगा, तो वो भी ध्यान रखना है कि उसकी रिपेयरिंग की सर्विस का टाइम कितना है, फ्री की सर्विस का टाइम कितना है। सिक्स्थ वन है प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप जब खुद भी ऑनलाइन परचेज करते होंगे, सबसे पहले आपको क्या चाहिए, इंटरनेट फैसिलिटी चाहिए। क्लाइंट पीसी या आप फोन के माध्यम से परचेज करते हैं, जब आप परचेज करते हैं और ऑर्डर करते हैं उस प्रोडक्ट को, तो ऑर्डर में आप देखेंगे उसकी एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनती है ऑर्डर करने से पहले। वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या शो करती है कि प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, उसके साथ शिपिंग चार्जेस कितने हैं, यानी कि जब हम शिपिंग करते हैं उसके चार्जेस कितने हैं, तो वो पूरा का पूरा एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसमें बन के आता है। अब नेक्स्ट वन जो है वो सेवंथ वन में आता है प्रोसेस द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक आपने ट्रांजैक्शन के ऑप्शंस भी इसमें देने पड़ते हैं। कोई व्यक्ति डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है, कोई क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहता है, कोई यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करना चाहता है, तो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन का प्रोसेस क्या होगा ये आपको सेटअप करना है। या तो पेमेंट ऑफ डिलीवरी होगी, पीओडी होगा,
या तो वो आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन पेमेंट होगी, तो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है कि आप अपने प्रोडक्ट की सर्विस की पेमेंट कैसे लेना चाहते हैं। नेक्स्ट वन है मॉनिटरिंग द ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो ये ध्यान में रखना चाहिए आपको जब आप ई कॉमर्स वेबसाइट बनाते हैं कि कितने कस्टमर की आपको डिमांड अभी तक आ चुकी है, आपके पास कितना प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उस प्रोडक्ट की जानकारी आपको होनी चाहिए। प्रोडक्ट कौन सा कस्टमर डिमांड कर रहा है, दे डिपेंड अपॉन द कस्टमर नीड एंड वांट्स। अनदर वन है प्रोवाइडिंग द कस्टमर सर्विस। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द कस्टमर, बिकॉज कस्टमर सर्विस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। माना अगर आपसे इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे हेल्प की फैसिलिटी होनी चाहिए, साथ में जो है वो फोन नंबर, यानी कि किसी तरह का फोन नंबर हो जहां से वो आपसे कॉन्टेक्ट कर सके। थर्ड वन है डाटाबेस सिस्टम। अ डाटाबेस सिस्टम क्या है कि इंफॉर्मेशन वो कहाँ पे अपनी स्टोर करे, आपको जो है वो इस तरह का डाटाबेस सिस्टम बनाना चाहिए ताकि वहां पे इंफॉर्मेशन को एक्सेस किया जा सके। तो इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए भी आपके पास क्राइटेरिया, आपके पास जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है मॉनिटरिंग ऑफ द इन्वेंट्री। आप ई कॉमर्स बिजनेस कर रहे हैं, कस्टमर आपसे डिमांड करता है, लेकिन अगर आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट होना चाहिए। अगर इन्वेंट्री होगी, माना कि आपके पास प्रोडक्ट ही नहीं है और कस्टमर डिमांड करता है, होता है कि कभी कभार क्या होता है कि कस्टमर को वो चीज अच्छी लगती है, मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ जाती है, तो डिमांड के अकॉर्डिंग आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल हो। कम्युनिकेटिंग विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप अगर किसी के साथ कोलैबोरेट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लिंक है आपका और उसके प्रोडक्ट को आप सेल करते हैं, या तो ऑर्गेनाइजेशन के साथ कम्युनिकेट करना बहुत ही जरूरी है। थर्ड वन है, आप जरूरी नहीं कि ई कॉमर्स वेबसाइट अकेले ही सेटअप कर सकते हैं, आप अपना कोई बिजनेस पार्टनर बना लें या फिर अदर कोई पर्सन बना सकते हैं। ई कॉमर्स वेबसाइट में माना आप अमेजोन एक ऐसी साइट है कि उसमें जो मिलने वाले प्रोडक्ट हैं वो जरूरी नहीं कि सारे के सारे अमेजोन कंपनी ही बनाती है। अमेजोन एक एक ऐसा ब्रांड साइट का नाम है कि वहां पे आपको डिफरेंट तरह की कंपनी के प्रोडक्ट अवेलेबल मिलते हैं, डिफरेंट तरह की कंपनी वहां पे आपको मिलेगी, और कई ऐसे ऑनर्स होते हैं, मैन्युफैक्चरर होते हैं जो आपस के मिडल मैन, यानी कि जो रिटेलर के साथ कम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, वो रिटेलर ही आपको नियर बाई लोगों को प्रोडक्ट वहां से पहुंचाते हैं। माना कि एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी साउथ में है, आप नॉर्थ से प्रोडक्ट मंगवा रहे हैं तो जरूरी नहीं साउथ से वो प्रोडक्ट आएगा, तो बीच के मिडल मैन है वो आपको प्रोडक्ट पहुंचा देंगे, तो इससे आप बिजनेस पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन है प्रोसेस द ऑनलाइन पेमेंट। तो आप लास्ट में ऑनलाइन पेमेंट का प्रोसेस भी रख सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट या फिर पीओडी यानी पेमेंट ऑफ डिलीवरी का भी रख सकते हैं। तो ये आपका मेन एक्टिविटीज है ई कॉमर्स के लिए, कि ई कॉमर्स में सबसे पहले तो गुड्स और सर्विस की बाइंग और सेलिंग होती है, आपको शिपिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी, इनवाइस भी जनरेट करना पड़ेगा, वारंटी गारंटी या प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे क्रिएट होगी, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट का क्या प्रोसेस होगा, आपको ऑर्डर को मॉनिटर करना है, ऑर्डर के अकॉर्डिंग क्या आपके पास इन्वेंट्री अवेलेबल है कि नहीं है, ये किस तरह से हम दूसरे पार्टनर के साथ भी काम कर सकते हैं, किस तरह से हम एक प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल सेटअप कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको देखनी पड़ती है ई कॉमर्स की एक्टिविटीज में, यानी कि ई कॉमर्स के टाइम आपको देखनी पड़ती है। नेक्स्ट जो है जो आपका प्रोसेस है वो है टेक्निकल कंपोनेंट ऑफ द ई कॉमर्स, यानी कि अगर आपको ई कॉमर्स व्यवसाय शुरू करना है तो आपके पास क्या टेक्निकल चीजें होनी चाहिए, किस किस चीज की आपको नीड आवश्यकता पड़ेगी। लेट मी टेल यू कि अगर हम कोई भी चीज करते हैं, यानी कि ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू करते हैं, तो प्रॉपर वे में उसको तो एक बहुत बड़ा प्लेस की जरूरत नहीं होती है, बहुत बड़ा एरिया की जरूरत नहीं होती है, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए। तो फर्स्ट वन आता है क्लाइंट। क्लाइंट क्या होता है, क्लाइंट जो जहां से आप कमांड करेंगे, कमांड कौन करेगा, बायर। तो या फिर जरूरी नहीं बायर यानी कि जो हैंडल करने वाले हैं वो भी आपके पास जो है वो, यानी कि आप
पीसी का यूज कर सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं, वहां से जहां से आप सर्वर के साथ कनेक्ट करेंगे, यानी कि जहां से ऑर्डर देते हैं वो भी क्लाइंट है, जहां से आप सेल करते हैं या जो प्रोसेसिंग सिस्टम है वो भी क्लाइंट कहलाता है। तो क्लाइंट एक ऐसा वर्क स्टेशन होता है जहां पे आप काम करते हो, जिस पर्सनल कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो पर्सनल कंप्यूटर को भी आप क्लाइंट ही कहेंगे, यानी कि जहां से आप काम करते हो उस वर्क स्टेशन को आप क्लाइंट कहते हैं। दूसरा, आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी। सो सर्वर दैट सर्व द डाटा एंड एप्लीकेशन टू नंबर ऑफ क्लाइंट। सर्वर क्या है, ये एक माना एबीसी सर्वर है। एबीसी सर्वर है तो इसके साथ जो है वो लाखों क्लाइंट कनेक्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी, यानी कि इतने लोग आपस में, यानी कि जो आपके सर्वर की कैपेसिटी है, बहुत से लोगों की इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कैपेसिटी रहती है, बहुत से लोग आपस में जो कम्युनिकेट करते हैं वो सर्वर के माध्यम से करते हैं। तो आपका खुद का अगर ई कॉमर्स वेबसाइट शुरू कर रहे हैं तो आप खुद का भी अपना सर्वर जो है वो परचेज कर सकते हैं। तो सर्वर जो है वो डाटा और एप्लीकेशन को इंटरकनेक्ट करता, कम्युनिकेट करता है आपस में एक दूसरे के साथ। तो आप जब कोई व्यक्ति है, मैन्युफैक्चरर है, अगर उसके के साथ आपने डील करना है तो उस तक इंफॉर्मेशन पहुंचानी है कि आपने प्रोडक्ट को बाई किया है, तो थ्रू सर्वर ही इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। थर्ड वन है ट्रांसमिशन मीडिया। अब ट्रांसमिशन मीडिया क्या होता है? ट्रांसमिशन मीडिया है कि ट्रांसमिशन का मतलब होता है जहां पे हम मैसेज को वन वे टू अनदर वे करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन करते हैं। तो आप जब कोई इंफॉर्मेशन है, मीडिया है, तो आप किस मीडिया के माध्यम से उस इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करेंगे? तो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है या फिर कॉपर वायर है, तो उसके माध्यम से आपके पास जो है इंटरनेट कनेक्शन की एक्सेसिबिलिटी मिलती है। इंटरनेट माध्यम या तो आप मोबाइल फोन में करते हैं, लेकिन आप ई कॉमर्स मोबाइल फोन पे तो नहीं चला सकते हैं, उसके लिए आपको जो है हाई लेवल का इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी। अब हाई लेवल के ब्रॉडबैंड को कहाँ से हम ले सकते हैं? हम या तो ऑप्टिकल फाइबर से उस ब्रैंडविड्थ को यूज कर सकते हैं, या कॉपर वायर के माध्यम से। और भी केबल होती है, जिस केबल जो आपकी केबल वायर है उसके माध्यम से भी हम ट्रांसमिशन कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्शन, अब इंटरनेट कनेक्शन के लिए बहुत से कनेक्शन है, जैसे कोई जियो का कनेक्शन लेता है, कोई बीएसएनएल का कनेक्शन लेता है, कोई एयरटेल का कनेक्शन लेता है। तो इंटरनेट का कनेक्शन आप किस कंपनी से लेना चाहते हैं, किस सर्वर से लेना चाहते हैं, वो भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है। और ऐसा कनेक्शन हो जो अच्छे से चले और अच्छे से जो है वो आपका काम हो सके। फिफ्थ वन है इंट्रानेट। क्या है इंट्रानेट? होता है इंटरनेट जो है वो प्राइवेट कंप्यूटिंग नेटवर्क होता है, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही चीजों को प्रोसेस करता है, इंफॉर्मेशन को आप शेयर कर सकते हैं। तो इंटरनेट जो है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। आपको फायरवॉल की जरूरत पड़ सकती है। फायरवॉल जो है इट इज अ नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम। ये जो है वो ऐसी नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम होता है जो आपको आउटसाइड किसी कंपनी की अनऑथराइज्ड चीजों से प्रिवेंट करता है। अनऑथराइज का मतलब है कि जहां जिस चीज की आपके सिस्टम में परमिशन नहीं है होने की। तो कभी कभार आप देखेंगे किसी तरह का अगर फायरवॉल होगी तो जो अननेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, अनऑथराइज इंफॉर्मेशन है, उससे आपका सिस्टम प्रिवेंट रहता है, सेफ रहता है। तो फायरवॉल की जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रानेट, एक्स्ट्रानेट भी एक प्राइवेट कंप्यूटिंग नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइजेशन को इंटरनल इंफॉर्मेशन से आउटसाइडर के साथ कनेक्ट करता है। अब आउटसाइडर कौन कौन से हैं? कस्टमर, सप्लायर, ज्वाइंट वेंचर पार्टनर। तो अगर आप जब आपको किसी आउटसाइडर के साथ कनेक्शन क्रिएट करना है, आउटसाइडर से इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करनी है, तब आपको एक्स्ट्रानेट की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब आपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही इंफॉर्मेशन को शेयर करना है, तब आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। साथ ही साथ आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी का होना जरूरी है, यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल और ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? इंटरनेट में। जब आप इंटरनेट यूज करते हैं तो आपको एक स्पेशल एड्रेस इशू होता है, जिसको हम आईपी एड्रेस कहते हैं। आईपी एड्रेस का मतलब यह है कि जहां कहां से आप इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं, कहां से काम कर रहे हैं। अगर कोई अनऑथराइज काम होता है तो किसी तरह के पुलिस वाले उसको कैसे कैचअप कर लेते हैं? थ्रू द आईपी एड्रेस।
उस व्यक्ति का आईपी एड्रेस ट्रेस करके हम उसको पकड़ सकते हैं। टीसीपी की फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, टीसीपी का मतलब है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो देखिए, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है जब डाटा आपस में एक्सचेंज होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए प्रोटोकॉल है। इंटरनेट प्रोटोकॉल आपके एड्रेस को शो करता है। एंड नेक्स्ट वन है डाटा वे सर्वर, यानी कि जब आप इंफॉर्मेशन को आपकी सर्वर में स्टोर करेंगे, तो ऐसा सर्वर जो आपको डाटाबेस की सिस्टम प्रोवाइड करता है, जहाँ पे आप डाटा को स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, डाटा को अर्चीव कर सकते हैं, यानी कि रिट्राइव भी कर सकते हैं, तो उस सर्वर की आपको जरूरत पड़ेगी। रूटर का काम क्या होता है? रूटर एक फिजिकल डिवाइस है, ठीक है। रूटर एक ऐसा फिजिकल डिवाइस है जो एक से ज्यादा नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करता है। अब रूटर से क्या है, एक नेटवर्क, दो या तीन आपस में जो नेटवर्क कनेक्ट होते हैं, यानी कि दो या तीन नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करने वाला जो सिस्टम है, फिजिकल डिवाइस है, उसको हम रूटर कहते हैं। नेक्स्ट वन है वेशन होस्ट। तो वेशन होस्ट क्या है? ये ऐसा गेटवे है जो इनसाइड और आउटसाइड नेटवर्क को आपस में एक्ट करवाता है, यानी कि एक स्पेशलाइज्ड कंप्यूटर है जो जो इस तरह से काम करता है, यानी कि एक ऐसे गेटवे की तरह काम करता है जो इनसाइड नेटवर्क और आउटसाइड नेटवर्क को कनेक्ट करता है। एंड जिस किसी तरह का मालसियस ट्रैफिक होता है, या फिर इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना है, किस तरह का इनकमिंग आपके पास ट्रैफिक आ रहा है, किस तरह की इंफॉर्मेशन आपके पास आ रही है, या किसी मालसियस ट्रैफिक से प्रिवेंट करना है, कुछ अनऑथराइज चीजों से प्रिवेंट करना है, तो इसमें जो है वो वेस्टर्न होस्ट का जो है वो यूज किया जाता है। तो अगेन आई टेल यू कि ई-कॉमर्स के लिए आपको किस तरह की जरूरत पड़ती है। आपके पास सर्वर होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए, इंटरनेट का प्रॉपर कनेक्शन हो, टीसीपी एड्रेस होना चाहिए, आईपी एड्रेस मिलता है, रूटर हो, डाटा बेस सर्वर हो, और हाई नेटवर्क के लिए ट्रांसमिशन मीडिया, जिसमें कि आप प्रॉपर वे से फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का यूज कर सकते हैं, कॉपर वायर का यूज कर सकते हैं। तो आज के लिए काफी है इतना। अगेन आई रिपीट ऑल द कंटेंट। फर्स्ट वन हमने स्टडी किया करैक्टरिस्टिक्स ऑफ द ई-कॉमर्स। ई-कॉमर्स वेबसाइट जो है, ई-कॉमर्स आपका यूनिवर्सल है, वर्ल्ड वाइड तक फैला हुआ है। इसके खुद के रूल स्टैंडर्ड होते हैं जो इजीली अनदर वे में भी अडॉप्ट हो सकते हैं। बिजनेस जो है वो नेशन में ही इंटरनेशनल लेवल तक भी फैला होता है। आपस में लोग जो कस्टमर और बिजनेस है वो कम्युनिकेट करते हैं, एक दूसरे से इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। एंड इंफॉर्मेशन किस तरह की होती है? प्राइस से रिलेटेड, फीचर से रिलेटेड, सर्विस से रिलेटेड, और प्रोडक्ट किस तरह का होता है? कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट मिलेगा। नेक्स्ट वन आज हमने स्टडी किया, दैट्स द मेन एक्टिविटी ऑफ द ई-कॉमर्स। इसमें वस्तुओं की बाइंग एंड सेलिंग होती है, प्रोडक्ट की शिपिंग किस तरह से करनी है, उसका इनवॉइस कैसे बनाना है, लोगों को नॉलेज प्रोडक्ट का अवेयर करना, वारंटी क्या है, किस तरह की सर्विस बाद में देनी है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे तैयार करेगी, इन्वेंट्री की नॉलेज आपको होनी चाहिए, किस तरह से जो है वो डाटाबेस सिस्टम को मैनेज करना है, किस तरह से आपको प्रोडक्ट की डिलीवरी करनी है, ये सारी चीजें इसमें रहती हैं। एंड नेक्स्ट वन जो है, इसी में हमने स्टडी किया कि ऑर्डर किस तरह का होगा, कस्टमर को क्या सर्विस प्रोवाइड की जाएगी, इन्वेंट्री का हमने डिटेल कर ली। अगर आप अपना बिजनेस में कोई पार्टनर बनाना चाहते हैं, वो भी आप बना सकते हैं। नेक्स्ट हमने स्टडी किया कंपोनेंट ऑफ ई-कॉमर्स। आपको एक तो क्लाइंट यानी कि वर्क स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लाइंट जो है वो आपका पर्सनल कंप्यूटर हो सकता है, जिसको हम वर्क स्टेशन कहते हैं। आपको सर्वर की जरूरत पड़ेगी, आपको अगर प्रॉपर बेस इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो आपको फाइबर की जरूरत पड़ेगी। आप इंट्रानेट के माध्यम से काम कर सकते हैं, एक्स्ट्रानेट के माध्यम से काम कर सकते हैं, लेकिन जब आपको किसी कस्टमर या सप्लायर के साथ कम्युनिकेट करना है, अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करना है, तब आपको एक्स्ट्रा नेट ही लेना पड़ेगा।
फायरवॉल की हम बात करते हैं तो फायरवॉल जो है सिक्योरिटी सिस्टम है जो आपको आउटसाइड अनऑथराइज चीजों से बचाता है, प्रिवेंट करता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल है, जो प्रोटोकॉल का मतलब वही है आपका स्टैंडर्ड है, रूल है, रेगुलेशन कि आप कहाँ से काम कर रहे हैं, आपका एड्रेस क्या है, आईपी एड्रेस के माध्यम से ही आप काम करेंगे। डाटाबेस सर्वर कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो किस सर्वर पे आपकी स्टोर रहेगी, मैनिपुलेट रहेगी, आप उसको आर्काइव कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर जिस तरह का आपका क्लाइंट का जो कम्युनिकेट होगा वो सर्वर के साथ ही कम्युनिकेट होता है, तो जो इंफॉर्मेशन है वो वहां पर ही स्टोर रहती है। तो ये जो है वो आज हमने स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो अगेन आपका ई कॉमर्स के फंक्शंस के ऊपर रहेगा, एडवांटेजेस के ऊपर रहेगा और डिसएडवांटेजेस के ऊपर रहेगा। थैंक यू।